हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़ों को पहला प्रणाम, छोटों को प्यार सुभाषिस। और सबसे पहले आपके अपने जाने पहचाने चैनल इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। और गाइस, आज बना रहे हैं हम बथुए के पराठे। और ये जाड़ों में बथुए के पराठे नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। बने रहिएगा। धो के रख दिया मैंने उबालने। गाइस, क्योंकि बहुत मुलायम होता है, इसको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है, उबाल लेते हैं। हमने छान लिया है आटा, इसमें थोड़ा सा हमने नमक और अजवाइन डाल दिया है। और ये पीस लिया हमने बथुआ, जिसमें हमने हींग, लाल मिर्च, वैसे हरी मिर्च भी पीसी है, और लहसुन की कलियां भी दो चार इसमें पीसी हैं। अब इसको हम मैश कर लेंगे आटे के साथ, और कुछ इस तरह अभी और मारना है। और आटे के संग इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे गाइस, और फिर बनाएंगे हम गर्मा गर्म पराठे। दोस्तों, पीस के तैयार हो गई है हमारी भांग की चटनी। और मिक्सी में आप कितना भी बना लो, लेकिन जो सिलबट्टे का स्वाद है वो किसी और में नहीं। और पराठों के संग चटनी नहीं हुई तो कोई बात ही नहीं हुई। और गाइस, सेक लिया मैंने पराठा, लेकिन पहला पराठा गाय का, गौ माता के लिए मैंने अलग रख दिया है। और अब बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। और गाइज, मैंने पराठों के लिए गाय के घी का प्रयोग किया है, आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं। और देखिए, सिक रहे हैं, खूब लाल होने तक इन पराठों को सेका जाएगा। ये देखिए गाइज, तैयार है गर्मा गर्म बथुए के पराठे और चटनी दही। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। इस करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, और आइए मैं भी कर रही हूँ नाश्ता। और आई है लीला। लीला हाय बोलो। और हेलो, गुड मॉर्निंग। और पराठे कैसे हुए यार? मस्त बिंदास, और साथ में चटनी। वाह, मजा आ गया है। और आओ दगड़ियों, फिर पी लो चाय और पराठे। वैसे दही भी है, लेकिन मैंने कहा जब चाय ले रही हूँ तो दही नहीं लूंगी। और आपने देखे, वाओ, बड़ा टेस्टी और यम्मी बनाया है ट्रायंगल शेप में। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के संग।